दोस्तों, एजुकेशन अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अबाउट द फिट्स। ओके, फिट्स क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। छोटा सा डेफिनेशन देखते हैं ताकि हम लोग समझ सके कि फिट्स होता क्या है। देखो, फिट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये रिलेशन है बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स। दो मेटिंग पार्ट के बीच में रिलेशन जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पर हम लोग फिट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये फिट्स ये बताता है कि कितना कोई पार्ट एक दूसरे के साथ टाइट है या फिर लूज है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, मैंने एक पार्ट वन लिया है जिसको हम लोग गुच बोल सकते हैं, और एक पार्ट टू लिया है जिसको मैं गाइड पिलर बोल सकता हूं। तो गाइड पिलर गाइड गुच बोल सकते हैं इनको, राइट? ओके, तो यहां पर अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा, बहुत मेहनत लगेगी मुझे फोर्स अप्लाई करने में, क्योंकि बहुत बड़ा है और मैं छोटा सा हूं, राइट? चले, तो इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, फोर्स अप्लाई करता हूँ। तो देखते हैं, फोर्स अप्लाई करने के बाद इसके अंदर ये चला गया, राइट? ओके, तो डरने वाली बात नहीं है, चला गया तो चला गया। ठीक है भाई, देखो, तो इसके अंदर चला गया, इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली हम लोग किस बारे में स्टडी कर रहे हैं, दोनों मेटिंग पार्ट के बारे में ये स्टडी कर रहे हैं कि ये टाइट है, करेक्ट फिट है या लूज फिट है, इसके बारे में हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। कहाँ पर होगा भाई? एक ऊपर वाली एज आपको जो नजर आ रही है वहां पर फिटमेंट ऑफ बोथ पार्ट आपको नजर आएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो, अगर अभी तक आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको प्लीज आप देख लीजिए। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बताया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ GDNT, फीचर कंट्रोल फ्रेम के बारे में हम लोगों ने देखा है, कंप्लीट GDNT सिंबल्स के बारे में हम लोगों ने वहां पर जाना है, और टॉलरेंस और इसके टाइप्स के बारे में जाना है। तो अगर अभी तक आपने ये चार लेक्चर नहीं देखे हैं, ठीक है, तो प्लीज आई बटन पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर की बात कर रहे थे, राइट? ओके, चल, इंपॉर्टेंस ऑफ फिट्स। इंपॉर्टेंस क्या है फिट्स का, उसको समझते हैं। देखो, बेसिकली अगर मैं फिट्स के इंपॉर्टेंस की बात करूं तो रियल लाइफ में हम जितने भी एप्लीकेशन देखते हैं, चीजें देखते हैं, राइट, तो वहां पर फिट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट? देखते हैं कहाँ कहाँ पर है भाई। पिस्टन इनर सिलेंडर, जब मैं पिस्टन की बात करता हूँ सिलेंडर के अंदर, तो सिलेंडर का आपको जो इनर फेस दिखता है, ठीक है, उसके साथ पिस्टन वाला जो आउटर फेस है वो उसके साथ मैट करेगा। अब इस तरह से मैट करेगा कि बेसिकली वो लीकेज नहीं करेगा, राइट? इसका मतलब यहाँ पर फिटमेंट जरूरी है। इसी तरह से जनरल इन बेयरिंग, तो जनरल इन बेयरिंग के बारे में बात करूं तो भाई वहां पर भी जो भी मैटिंग पार्ट्स हैं, जितने भी उसके अंदर पार्ट्स हैं, वहां पर क्या है, फिटमेंट का उपयोग किया गया है। उसी तरह से गियर ऑन स्पाइन, जब मैं गियर डिजाइन करता हूँ किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो गियर एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से मेट हो जाना चाहिए। अब प्रॉपर तरीके से मेटिंग के लिए वहां पर फिटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? ओके, वॉल इन वॉल गाइड, अगर मैं बात करूं कि भाई अगर मैं किसी पाइप से वाटर को फ्लो कराना चाहता हूँ या लिक्विड को फ्लो कराना चाहता हूँ, तो वहां पर मुझे उस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एक वॉल्व लगाना पड़ेगा। उस वॉल्व की जो फिटिंग रहेगी या फिर उसके जो असेंबली पार्ट्स रहेंगे वो किस तरह से होना चाहिए, विद द फिटमेंट होना चाहिए। व्हील ऑन शाफ्ट, जब मैं बात करता हूँ गाड़ी चलाने की, तो वहां पर एक शाफ्ट होगी जो शाफ्ट के ऊपर एक व्हील लगा होगा, राइट? वो फ्लक्चुएट ना हो, वो प्रॉपर तरीके से रोटेशन में आए, तो उसके लिए फिटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, टाइप्स ऑफ फिट्स की बात करते हैं कि कितने की तरह के फिट्स होते हैं। देखो भाई, तो बेसिकली हमारे पास जो फिट्स होते हैं वो होता है क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। तो भाई इनके बारे में पढ़ना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो ही समझ में आएगा, क्लियर है? नहीं तो इस तरह से आप देखते रहोगे, भाई ऐसी चीज क्या है सर, क्या बता रहे हो। ठीक है, तो ये चीज समझना जरूरी है, और आप हमसे पूछोगे बोले सर ये क्या है, ये क्या है, आपको अभी समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से नहीं बनना है भाई, इनको पढ़ाई करनी है, क्लियर है? क्लियर है? चलो, क्लियरेंस फिट का समझते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक होल और एक शाफ्ट लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस होल को, ठीक है, या फिर इस शाफ्ट को इस होल के अंदर अगर मैं एंटर कराता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, विद द सेंटर अलाइनमेंट, मैंने सेंटर लाइन ले ली है, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, एक क्लियरेंस फिट मिल रहा है। तो ये जो ग्रीन वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये है इसका क्लियरेंस फिट, मतलब होल और शाफ्ट के बीच में क्या है, कुछ स्पेस है, ठीक है, दैट्स व्हाई इसको बोलेंगे हम लोग क्लियरेंस फिट। ठीक है, तो क्लियरेंस फिट की अगर मैं बात करूं तो शाफ्ट और होल आपको कहीं पर भी क्लियरेंस फिट नजर आएगा, जो ये शो कर रहा है कि जो मेटिंग पार्ट्स है उसके बीच में लूजनेस है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल, राइट? ओके, आई होप आपको समझ में आया। ओके, वेरी गुड। ठीक है, बात करते हैं इंटरफेरेंस फिट की। अच्छा, इंटरफेरेंस फिट क्या होता है, फिर से मैं उसी होल और शाफ्ट को फिर से लेता हूँ, ठीक है, इसको क्या करूंगा, इसे एक दूसरे के अंदर डालने वाला हूँ। देखो जरा, अब जब आप देख रहे हो कि शाफ्ट जो है वो होल से थोड़ा सा बड़ा है, अगर वो बड़ा है इसका मतलब क्या होगा कि इसके बीच में इंटरफेरेंस आएगा, रुकावट आएगी। ठीक है, अब इंटरफेरेंस आएगा तो रेड वाला भी पोर्शन आपको नजर आ रहा है, वो क्या है, वो है इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इंटरफेरेंस।
जो इंटरफिट होता है वो शो करता है, या तो प्रेस फिट है या तो वो दोनों पार्ट जो है वो फ्रिक्शन में है, एक दूसरे में फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे। तो कई जगह होता है, कोई एप्लीकेशन ऐसे होते हैं रियल लाइफ में जहां पर हमको किसी होल के अंदर किसी शाफ्ट को पुश करना होता है, राइट, पुश करना होता है। ओके, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर इंटरफेरेंस फिट लगेगा। उसी तरह से हम लोग देखते हैं ट्रांजिशन फिट। अब ट्रांजिशन फिट कैसे काम करता है, वैसे होल और शाफ्ट को हम लोग ले लेते हैं भाई, सेंटर अलाइनमेंट से हम लोग एक दूसरे के अंदर इसको डालने वाले हैं, राइट। तो अगर यहां पर आप देखोगे तो ट्रांजिशन फिट या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इस क्या हुआ कि ट्रांजिशन दोनों हो सकता है, या तो क्लियरेंस फिट भी हो सकता है और इंटरफेरेंस फिट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग। किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको हम लोगों ने बनाया किस तरह से, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर एक्यूरेट लोकेशन अगर हमको चाहिए दोनों के लिए, या फिर होल और शाफ्ट दोनों के लिए अगर एक्यूरेट हमको लोकेशन चाहिए, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजिशन फिट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए मैं S7 और G6 और S7 और P6 लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर S7 जो आपको नजर आ रहा है, विच इज द कैपिटल लेटर, वो क्या है, होल, ठीक है। यहाँ पर G6 और P6 जो कि स्मॉल लेटर में है, वो क्या है, शाफ्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्लाइड फिट के लिए हम लोग S7 और G6 यूज करते हैं, और प्रेस फिट के लिए हम लोग S7 P6 इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर अभी आपको नहीं समझ में आया तो मुझे हो सकता है कि आपको डर लग रहा हो कि ये चीज क्या है, कैसे काम करती है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इसको बोलते हैं होल बेसिस सिस्टम, होल बेसिस सिस्टम। व्हाई होल बेसिस सिस्टम, क्योंकि यहां पर हम लोग होल को क्या मानेंगे, जीरो जीरो पे रखने वाले हैं। चलिए देखते हैं, वेरिएशन ऑफ डिफरेंट फंडामेंटल डेविएशन टाइप, ठीक है। थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन समझना जरूरी है। देखो भाई, यहाँ पर एक नोट देखो कि स्मॉल लेटर जो रहेगा ना वो शाफ्ट के लिए रहेगा, कैपिटल लेटर जो रहेगा वो होल के लिए रहने वाला है, क्लियर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दो लाइन को ड्रॉ करता हूँ और इसके बीच में एक होल के लिए एक सेंटर लाइन बनाता हूं, जिसको बोलेंगे जीरो लाइन। ओके, तो ये होल और शाफ्ट दोनों के लिए रहेगा, क्लियर, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या बोला कि यहां पर मेरे पास एक एच है, विच इज शोइंग दैट कि यहां पर ये जो है वो होल है, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है कि ये होल वाली लाइन है, ठीक है। इसी तरह से मैं नीचे एक और लेता हूँ जिसको बोलेंगे स्मॉल एच, जो कि शाफ्ट को शो करेगा, ठीक है, शाफ्ट को शो करेगा। उसी तरह से मैंने पी भी लिया है और जी भी लिया है। P और G जो मैंने लिया है वो एक लाइन पे लिया है जो कि स्मॉल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है शाफ्ट की लाइन है, ठीक है। देखो, होल वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है, P जो है वो होल से ऊपर है, P जो है शाफ्ट जो है वो होल से ऊपर है, इसका मतलब वो क्या हुआ, वो प्रेस फिट हुआ, ठीक है, वो प्रेस फिट हुआ। और यहाँ पर जो जी दिख रहा है आपको वो क्या हुआ भाई, वो क्लियरेंस फिट हुआ। देखो जरा, क्लियरेंस फिट मतलब होल वाली लाइन से जी जो है वो नीचे है, मतलब क्लियरेंस दिखा रहा है, क्लियर है। उसी तरह से अगर मैं प्रेस फिट की बात करूं तो देखो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, डेविशन फॉर प्रेस फिट, डेविशन फॉर प्रेस फिट। ओके, इसी लाइन में अगर मैं कुछ और लेटर को लिखूं तो इस तरह से नजर आएंगे वो, राइट, मतलब A D D H, और इसी तरह से पूरा अल्फाबेट अगर आप लिखोगे A to Z, तो आपको ये नजर आएगा कि एक लाइन मैंने होल के लिए क्रिएट करी है और दूसरी जो लाइन है वो मैंने शाफ्ट के लिए क्रिएट करी है, राइट। जहां से मैं बता सकता हूं कि क्या प्रेस फिट रहेगा, क्या टाइट फिट रहेगा और क्या क्लियरेंस फिट रहेगा, राइट। ओके, चलो, कैलकुलेशन फॉर द S7 G6 और P6 हम लोग समझते हैं कि S7 G6 और P6 के लिए हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्लियर है। तो यहां पर मैं क्या करता हूँ, एक मैंने ग्रेड ले लिया है विच इज द IT6। तो IT6 इक्वल टू क्या होता है, 10 I फॉर द प्रिसाइज डायमेंशन, ना जब मुझे डायमेंशन अगर बहुत ज्यादा प्रिसाइज चाहिए, राइट, तो मैं क्या लूंगा, IT6 इक्वल टू 10 I। और अगर मैं बोलता हूँ IT7 इक्वल टू 16 I, अगर मुझे प्रिसाइज डायमेंशन ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे लेस प्रिसाइज डायमेंशन चाहिए, रफ डायमेंशन चाहिए, तो मैं IT7 का इस्तेमाल करूँ, क्लियर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ आई की वैल्यू निकालना चाहूँ, आई की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला जो रहेगा इसका वो रहेगा I इक्वल टू 0.45, ठीक है, Q√D+0.001 × D, ठीक है। यहाँ पर डी आपको नजर आ रहा है वो क्या है, वो है बेस वैल्यू ऑफ द डायमेंशन इन mm, ठीक है। किसी भी तरह का डायमेंशन की अगर बात करूं जो कि होल या शाफ्ट का हो सकता है, तो उसका बेस डायमेंशन जो रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे डी, क्लियर, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे 50 mm का S7 फॉर होल निकालना है, 50 mm का G6 की वैल्यू निकालना है फॉर द शाफ्ट, ठीक है। दोनों डायमेंशन जो है वो 50 mm है, डायमीटर जो है वो 15 mm है, 50 mm है, ओके। तो यहाँ हम देखते हैं भाई, यहाँ पर डी क्या हुआ हमारा, 50 mm, मैं उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं वैल्यू पुट करूंगा डी की, विच इज द 50 mm,
तो मैं यहां पर देखूंगा कि भाई मुझे यहां पर आई की वैल्यू जो मिली वो 1.6916 माइक्रोन मिली, ठीक है। मैंने वैल्यू डाली एमएम में, मुझे और वैल्यू मिली किसमें मिली, माइक्रोन में 1.6916। इस वैल्यू को मैं किसमें पुट अप करूंगा, IT6 या फिर IT7 में। एग्जांपल के लिए IT7 मुझे चाहिए, तो 16i, राइट। मैंने वैल्यू पुट करी तो मुझे क्या मिला, H7 का वैल्यू मिला 27 माइक्रोन, पॉजिटिव इन बेस डायमेंशन। मतलब बेस डायमेंशन में मैं 27 माइक्रोन को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, 27 माइक्रोन को मैं उसके अंदर ऐड करूंगा, राइट। तो G6 वी कैन टेक 27 इन नेगेटिव। अगर मैं S7 की बात करूं, होल के लिए बात करूं, तो पॉजिटिव रहेगा, और G6 स्लाइड फिट की बात करूं तो 27 इन नेगेटिव डायरेक्शन रहेगा। तो आप बोल सकते हो कि स्लाइड फिट के लिए S7 और G6 की वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हो, आपके लिए होमवर्क रहेगा। P6 के लिए आप वैल्यू निकाल के बताइएगा, क्लियर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स पे आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।